बिहार की सियासत में बड़ा खेल होने जा रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से तेजस्वी यादव के साथ मिलकर सरकार बनाने जा रहे हैं और राजभवन में जाकर वह इस्तीफा भी देंगे। शपथ ग्रहण कल होगा। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है कि नीतीश कुमार अब प्रधानमंत्री पद के भी दावेदार बनने जा रहे हैं, विपक्ष का चेहरा बनेंगे। नीतीश कुमार ने फिर से नरेंद्र मोदी से दोस्ती तोड़ ली है। सोनिया गांधी और लालू यादव के साथ ही ममता का साथ लेते हुए देश में अब पीएम मोदी को चुनौती पेश करेंगे। यह हालिया राजनीतिक समीकरण है जिसे लेकर नीतीश आगे बढ़ गए हैं और बिहार में चल रही एनडीए गठबंधन से खुद को अलग कर लिया है। नीतीश कुमार ने फैसला लिया है कि आरजेडी, कांग्रेस, वाम दलों के साथ ही जीतन राम मांझी के साथ महागठबंधन पुनर्जीवित कर नई सरकार का गठन बिहार में करेंगे। सरकार गठन की प्रक्रिया से पहले ही मंगलवार को नीतीश कुमार दोपहर बाद 4 बजे राजभवन जाकर अपना इस्तीफा देने वाले हैं और साथ ही नई सरकार के गठन के लिए दावा पेश करेंगे। जो जानकारी मिल रही है इसके मुताबिक तेजस्वी यादव भी सीएम बनना चाहते हैं, तो ऐसे में यह जानकारी मिल रही है कि नीतीश कुमार 1 साल और मुख्यमंत्री रहकर तेजस्वी यादव को ताज सौंप देंगे। अब जो जानकारी सामने आई है इसके मुताबिक नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव, मदन मोहन झा और वाम दल के प्रतिनिधि भी रहेंगे। मदन मोहन झा कांग्रेस से हैं। नीतीश कुमार के इस फैसले के बाद बीजेपी में खामोशी है। हालांकि बीजेपी के एक बड़े नेता कहते हैं कि राजनीति में धोखेबाजी की एक नई परंपरा नीतीश कुमार ने शुरू की है जो अधिक दिनों तक नहीं चल पाएगी। हालांकि जेडीयू के एक नेता कहते हैं कि नीतीश कुमार ने किसी को कभी धोखा नहीं दिया। जो षड्यंत्र नीतीश कुमार के खिलाफ बीजेपी ने किया था उसका अब उत्तर दिया जा रहा है। आखिर नीतीश कुमार ने पाला बदलकर यह खेल क्यों खेला है यह जानिए। असल में नीतीश कुमार ने अपना खेल पहले ही शुरू कर दिया था। वे केंद्र सरकार के आयोजनों से खुद को दूर कर लिए और बीजेपी के खिलाफ माहौल तैयार करने में जुट गए। इसी बीच उनको सोनिया गांधी का सपोर्ट मिला और लालू ने भी सहमति दी और देश में पीएम मोदी के खिलाफ विपक्ष के साझा उम्मीदवार का ऑफर दिया तो नीतीश सामने आ गए और उन्होंने एनडीए से खुद को अलग करने का फैसला लिया। एक बात तो है कि नीतीश कुमार ने दूरगामी फैसला लिया है। 2024 में लोकसभा चुनाव में नीतीश खुद को पीएम पद के उम्मीदवार प्रोजेक्ट किए जाने के सोनिया के फैसले को सिर माथे पर ले लिया और नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ बिगुल फूंक दिया। इसके पीछे महाराष्ट्र मॉडल बदलाव भी है जिससे नीतीश डर गए थे, क्योंकि आरसीपी को बीजेपी कुर्मी नेता के तौर पर प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया था और आरसीपी के पास नीतीश कुमार की कुंडली है जो आरसीपी ने बीजेपी के सुपुर्द कर दिया है। इससे खफा नीतीश सीधे बगावत पर आ गए हैं और पलटी मार की कहानी दोहरा दी है। लेकिन तेजस्वी यादव के लिए यह पौबारह की स्थिति है, क्योंकि जैसे ही नीतीश कुमार पीएम पद के लिए खुद को तैयार करेंगे वो कुर्सी खाली कर देंगे और फिर तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो 1 साल के भीतर एक बार फिर से परिदृश्य बिहार में बदलने वाला है। सियासी स्थिति बदलेगी और नीतीश कुमार की जगह तेजस्वी यादव बिहार में मुख्यमंत्री बनते नजर आएंगे।